नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन देने का कोशिश कर रहा हूँ, प्रिडिक्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने निफ्टी फ्यूचर्स का सितंबर फ्यूचर्स का चार्ट इधर खुल के रखा है। ये देखिए इधर, ये थोड़ा सा कल के लिए ये सबसे ये थोड़ा सा रिकवरी किया है, एक स्पिनिंग टॉप टाइप का कैंडल बनाया है। तो ये थोड़ा सा अनसर्टेंटी है, ये अनसर्टेंटी इंडिकेट कर रहा है, लेकिन ये तो मैंने कल का वीडियो में भी बोला था कि एज मैं PCR इस ऑप्शन चेन एनालिसिस करके मैंने बोला था कि ये कॉन्ट्रा ट्रेड मतलब रिवर्स ट्रेड ले सकता है, तो वही हुआ है। तो अभी कुछ रिकवरी हुआ है, 9,900 के ऊपर गया है, तो लगता है ये 11,000 तक आसपास आ सकता है। अभी कुछ वो इंटरनेशनल और नेशनल इकोनॉमी के हिसाब से मतलब डॉलर का हिसाब से रुपये का प्राइस गिरा है, इसके लिए थोड़ा सा असर पड़ रहा है, लेकिन इससे ऐसा कुछ खास वजह नहीं। और इसका 931 के ऊपर देखिए, 936 के ऊपर ये ऊपर जा सकता है 11,000 तक। 11,000 के ऊपर से ये 11,040 इसमें ये जोन में आएगा, 11,112-120 में। उसके बाद इस जोन में आएगा तो 144 इस जोन क्रॉस करेगा तो और ऊपर जाएगा। तो इसका ऑप्शन चेन हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो देखिए इसका फर्स्ट देखिए, इसका कल इधर 13 लाख ऐसा कुछ था, तो 13 लाख ना 13 करोड़ का था, सॉरी 1,42,000। ये मतलब ये 13 था और इधर मतलब 20 था, तो इधर अभी देखिए यह 14 हुआ है, मतलब PCR रेशियो कल का हिसाब से ये PCR रेशियो ऊपर उठा है। कल 0.60 था और यह 0.70 का आसपास है। और कल के लिए देखिए इधर कल हेवी कॉल साइड में हेवी मतलब शॉर्ट हुआ था, हेवी राइटिंग हुआ था, तो आज के लिए इसका आज भी शॉर्ट हुआ है, लेकिन इसका परसेंटेज बहुत कम गया है। और इधर जो 10,900 में ये जो सपोर्ट है, इससे इधर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, उसके बाद 11,000 में इसका ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है। इधर जो ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इधर जो बना है, और इधर देखिए इधर जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, इधर भी शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, मतलब मार्केट ऊपर में दिशा इशारा कर रहा है। और इधर देखिए सपोर्ट बहुत इस रेजिस्टेंस से इधर का हिसाब से यह इधर सपोर्ट ज़्यादा है, रेजिस्टेंस से हिसाब का नहीं, यह सपोर्ट ऐसे ही मतलब सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है। इधर 10,800 में इसका सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, और इधर ओपन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इस इधर से ज़्यादा हुआ है। और इधर देखिए IB इधर इसका इधर से ज़्यादा है, तो मार्केट सीम्स टू टेक एन अपवर्ड डायरेक्शन, दो सम पुल बाय पुल वॉकर, बट वी कैन स्टिल रिमेंस विथ अ बुलिश सेंटिमेंट। एंड इफ आई टेक द बैंक निफ्टी चार्ट, इनमें बैंक निफ्टी चार्ट में देखिए वो भी कल का हिसाब से इम्प्रूव किया है, वो भी बुलिश एक कैंडल बनाया है। और इधर ऊपर 10,000 ये 380 था, मतलब हाई हुआ था ये 10,000, मतलब 10,350 के ऊपर ये फिर से ऊपर जा सकता है, 700 तक 10,568, उसके बाद 10,700 तक ऊपर जा सकता है, उसके बाद और भी ऊपर जा सकता है। इस जोन में आएगा तो ऊपर जा जाएगा, उसके बाद ये जोन क्रॉस करेगा तो इसका ऊपर जा सकता है। और इसको ऑप्शन चेन मैंने देखूंगा तो देखिए इसमें ऑप्शन चेन में वो भी कल के लिए मतलब इम्प्रूव किया है, दो अभी तक एक के नीचे है, लेकिन मतलब 0.75 जिन के आसपास है। और इधर जो इधर भी थोड़ा सा लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, और 27,300 में